हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आइए आज चलते हैं एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आए हैं। और ये वीडियो का मकसद ये है, ये लिथियम आयन सेल है, देख सकते हैं लिथियम आयन सेल है, न्यू सेल है। इसमें सोल्डरिंग, हम लोग सोल्डरिंग से बैटरी बनाने के लिए काफ़ी देर तक इसमें सोल्डरिंग आयरन पकड़ना पड़ता है, काफ़ी देर तक रखना पड़ता है, तब जाके इसमें ये लगता है, जैसे शोल्डर पकड़ता है। तो ये वीडियो एक्चुअली लेके आए हैं बहुत जल्दी, मतलब समझ लीजिए कि 2 से 3 सेकंड के अंदर ये पकड़ लेगा। उसी के लिए कैसे आप शोल्डर करके, इसको शोल्डरिंग करके जो है बैटरी पैक बना सकते हैं, बैटरी बिना हीट करे जो है बैटरी पैक बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बैटरी होल्डर की ज़रूरत होगा, इस तरह के बैटरी होल्डर, जिसमें इसमें हल्का सा इसको रख करके ऐसे आप इसको इसके अंदर इसको खड़ा करके बस रख दीजिए नीचे। और ये देखिए, ये इसका सोल्यूशन है, इसके ऊपर से दिखा दे, पहले देख सकते हैं क्विक फिक्स सोल्डरिंग पेस्ट। ये बाज़ार में, कोई भी बाज़ार में आप जाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉप में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। और एक देख सकते हैं ये सोल्डरिंग रंगा, सोल्डरिंग रंगा, इससे जो है आप बैटरी को इस तरह को, ये पहले पेस्ट को लगा लीजिए, इसमें पेस्ट को लगा लीजिए और लगा के मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर ये पकड़ लेगा। तो किस तरह से ये करना है ये आपको, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो आने वाले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर जो है आने वाला एक वीडियो आप लोगों के सामने लाएंगे, जिससे बैटरी पैक बना करके बनाते हुए दिखाएंगे। और ये बैटरी बनेगा ओकिनावा प्रेस के लिए 72 वोल्ट और 20 एम्पियर के। तो ये 20 एम्पियर के बैटरी बना करके आप लोगों के सामने वीडियो लाएंगे। तो पहले ये वीडियो देखिए, आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ये वीडियो में बस पेस्ट से जो है, इस पेस्ट से कैसे इसको पकड़ाया जाता है और 2 से 3 सेकंड के अंदर पकड़ा जाएगा, इसको देख लीजिए और आप लोगों के आसानी हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं इसको कैसे सोल्डरिंग किया जाता है। तो सेल को पहले निकाल लेते हैं। ये सारे जो है रूफर कंपनी के ईसी सेल है, समझ लीजिए कि 3C रेटिंग का सेल है ये, 2500 mA का। और इससे ओकिनावा प्रेस की बैटरी बनाने वाले हैं। तो पहले सोल्डरिंग कैसे पकड़ाया जाता है इसको दिखा देते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से बैटरी होल्डर में पहले हल्का हल्का फिक्स कर लेना है, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन पकड़ने के बाद अगर हिलता है तो इधर उधर गल के चले जाने का डर रहता है। तो दोस्तों ये पेस्ट है, जैसे कि दिखाए थे, ये क्विक फिक्स सोल्डरिंग पेस्ट है। तो इससे उंगली से इस तरह से निकाल के थोड़ा थोड़ा करके जो है पहले लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है। उसके बाद इस तरह से, ये सोल्डरिंग आयरन है तो इसको धीरे धीरे टच कराना है, 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर आपको ये पकड़ लेगा। देख सकते हैं इस तरह से आप इसको पहले दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में जो है इसको पकड़ा दीजिए। उसके बाद बैटरी पैक जिस तरह से बनाना है, बैटरी को जैसे पैरेलल में और सीरीज में जिस तरह से आपको बैटरी पैक तैयार करना है, उस तरह से इसको बैटरी होल्डर में फिक्स कर लीजिए। सेट करने के बाद जो है उसका कनेक्शन कॉपर वायर या कॉपर प्लेट से आप इसको सोल्डरिंग से ये कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर दीजिए और कनेक्शन दे दीजिए, हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से पूरा सब में बिना हीट किए फर्स्ट क्लास, इसमें कोई गर्म नहीं हुआ, सेल थोड़ा भी गर्म नहीं होगा, इस तरह से मात्र 2 से 3-4 सेकंड के अंदर पकड़ लेगा। और इस तरह से दोनों साइड में लगाना है, दोनों साइड में जब
आप पहले से पकड़ा देंगे, उसके बाद आप बैटरी को साज लीजिए, बस बैटरी बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। बैटरी पैक बनाने का तरीका आप लोग हमारे पहले का वीडियो में देख चुके हैं, और नए नए तरीके से बैटरी बनाने का तरीका दिखाते रहेंगे। जैसे फॉरेन कंट्री में बनता है उसी तरह से बैटरी बना करके दिखाएंगे। और इस वीडियो देखने के बाद बहुत से भाई लोग बोलेंगे कि ये तरीका सही नहीं है, बैटरी गर्म होता होगा, तो ऐसे होता होगा थोड़ा थोड़ा, स्पॉट वेल्डिंग में भी उतना गर्म होता है, और इसमें जिस तरह से दिखा रहे हैं इस तरह से गर्म बहुत कम होता है, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा देर में ही ये पकड़ ले रहा है फर्स्ट क्लास। इस तरह से निश्चिंत होकर के आप लोग भी बना सकते हैं। सेल न्यू सेल लिया जाता है तो उसमें बैटरी फेल होने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहता है, ये सारे न्यू सेल है और इससे बैटरी पैक बना करके बिल्कुल चलाया जा सकता है। आप किसी से बैटरी पैक बनवा करके लेते हैं तो उसमें एकदम श्योरिटी नहीं रहता है कि आपका बैटरी पैक न्यू सेल से ही बना है, तो आप देख करके किसी भी सप्लायर से देख के नया सेल ले लीजिए और ख़ुद ही इस तरह से बना लीजिए, उसमें श्योरिटी आपका बैटरी लास्टिंग करने का श्योरिटी ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों ये पहले तो पॉजिटिव साइड में रंगा इसको पकड़ाया गया, अब देख सकते हैं ये नेगेटिव साइड में अब दिखाएंगे। आप लोगों को ये लग सकता है कि केवल पॉजिटिव साइड में अच्छा पकड़ लेता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये पेस्ट ऐसा चीज़ है कि इसमें आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो किसी भी साइड में देंगे उतना ही सेकंड में ये फिर से पकड़ लेगा। तो दोस्तों आप लोग खुद से बनाइए बैटरी, बहुत बढ़िया बैटरी बनेगा, और किसी अच्छे सप्लायर से बैटरी ले, ये नहीं कहेंगे कि मेरे से ही आप लोग ले लीजिए। आपको जहाँ सस्ता मिले, जहाँ अच्छा मिले और मैन्युफैक्चरिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग मिले वहाँ से ले, बैटरी लेकर के बनाएं, सेल लेकर के बैटरी पैक बनाएं। आप साइकिल का प्रोजेक्ट, मोटरसाइकिल का प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं, बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ा सोच समझ करके आप बना करके यूज़ कर सकते हैं। इससे श्योरिटी आपका बहुत ज़्यादा श्योरिटी रहेगा कि ये चलेगा। तो दोस्तों ये रूफर का सेल है, रूफर कंपनी का, रूफर के नाम से है, और ये 2500 mAh का सेल है और काफ़ी अच्छा प्राइस में ये हमारे पास मिल जाता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि केवल दिखाना कि किस तरह से आप अच्छा सोल्डरिंग करके बैटरी पैक बना सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हमारे से ही आप सेल खरीदें, बहुत से सेलर है इंडिया में, इंडिया मार्ट में आप तलाश लीजिए अच्छा प्राइस में, अच्छा नया सेल जहां मिल जाए वहां से आप ले सकते हैं। ये सोल्डरिंग आयरन देख सकते हैं, सोल्डरिंग आयरन ये रंगा भारती कंपनी का है और बहुत अच्छा सोल्डरिंग रंगा होता है, और हमारे हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह मिल जाता है, और ये क्विक फिक्स सोल्डरिंग फेस्ट है। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें आपके आसपास के मार्केट में ही मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉप में, जहाँ से आप इजी, ये पेस्ट का मात्र 10 रुपया दाम है, जहाँ से इजी आप ख़रीद के जो है ये सब काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, क्योंकि ये सारे जानकारी आप लोगों को देना ज़रूरी था। अगर कोई भी जानकारी इसमें से छूट जाता है तो आप लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, कन्फ्यूज़न में रहेंगे और बार बार क्वेश्चन पूछते हैं फ़ोन करके, तो ज़्यादा फ़ोन आता है उससे भी आदमी परेशान होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है आप लोगों को जानकारी देने के लिए, बाकी तो आप लोगों को बता ही दिया गया है कि रंग ये आप कॉपर के तार, मोटा तार यूज़ करें या कॉपर के प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत आसानी से सोल्डरिंग आयरन पकड़ ले।
और अच्छा मजबूती से बैटरी पैक बने। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है और ये वीडियो के ख़त्म होने से पहले ही बता देते हैं कि दोस्तों अगर बैटरी के किसी को ज़रूरत है तो बिल्कुल संपर्क करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, तो व्हाट्सएप में आकर के आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में यही कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए, इसलिए कि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों देखते रहिए और नया नया ये सब इलेक्ट्रिक काम करते रहिए, जिससे थोड़ा थोड़ा करके जानकारी आप लोगों को प्राप्त होता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।